रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को अनिल शर्मा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा, जिसे जयराम ठाकुर ने स्वीकार करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत को भेज दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी पुष्टि भी की है। आपको बता दें कि उन्होंने सिर्फ अपने पद से अभी तक इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी भाजपा के सदस्य हैं अनिल शर्मा और मंडी सदर से विधायक भी हैं अनिल शर्मा। जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार दोपहर अनिल शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी कॉपी भेजी, और जिसे जयराम ठाकुर ने भी स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है। गौर रहे कि उन्होंने सिर्फ अपने पद से ही इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी वे भाजपा के सदस्य हैं और वे मंडी सदर से अभी भी विधायक हैं। वहीं इस्तीफा देने से जयराम सरकार के मंत्रिमंडल में एक पद खाली हो चुका है, जिस पर सरकार लोकसभा चुनावों के बाद ही विचार कर सकती है। आपको याद दिला दें कि अनिल शर्मा के पिता पंडित सुखराम और उनके बेटे आश्रय शर्मा के कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी सरकार में अनिल शर्मा का मंत्री पद चर्चा का विषय बना हुआ था। कई दफा बीजेपी नेता अंदर ही अंदर उन्हें मंत्री पद से हटाने की वकालत भी कर चुके हैं, लेकिन मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सारी बात अनिल शर्मा पर छोड़ दी जाती थी। लेकिन अब अनिल शर्मा ने खुद ही सरकार को अपने मंत्री पद का इस्तीफा भेजा है, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। अपने इस्तीफे के बाद ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कई आरोप भी लगाए। अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा मुख्यमंत्री शरीफ आदमी है, परंतु जिस जगह पहुंच चुके हैं वहां सराफते नहीं चलती है, वहां विवेक भी चलता है अपना। और मुझसे कहा गया कि पंडित जो है मुख्यमंत्री को आदेश जो है उपदेश न दे, ठीक है वो मुख्यमंत्री है, मुझसे बहुत बड़े हैं, परंतु मैं उम्र में उनसे बहुत बड़ा हूँ। उम्र में हमने राजनीति बचपन से देखी है। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ऊपर जाए, बहुत ऊपर जाएं, परंतु ऐसे लोगों से जरूर बचें। बहुत ऐसे लोग राजनीति के अंदर आते हैं, जब राजनीति के अंदर उनसे, क्योंकि शराफत ही आपका कहीं आपके लिए जो है मुश्किल ना हो जाए, होना चाहिए। उसके पास, उसके लिए भी उनके पास एक कार्यक्रम था। मुझे कह रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको मैं प्रदेश की सड़कों को ऐसा बना दूंगा जिससे कि सड़कों का जो है, एक हमारी सड़कें जो है बहुत अच्छी होगी। और उनके एक सपना था कि प्रदेश के अंदर लोग आए, टूरिस्ट आए, जब टूरिस्ट आएंगे तो प्रदेश की सड़कों को देख के लगे कि प्रदेश के अंदर वो आए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक वो बात उन्होंने कही होगी, दूसरा उन्होंने एक बात उन्होंने बड़े मन से बना ली, वो मन से जो बात उन्होंने अपने रखी है, उन्होंने कहा मुझे नेता नहीं मानते। मैंने कभी नहीं कहा कि वो हमारे नेता नहीं, विधायक दल के नेता हो सकते हैं, परंतु नेता बनना मैंने कहा था कि यदि मैंने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, उसमें पंडित सुखराम का जिक्र किया था, पंडित सुखराम मुख्यमंत्री नहीं बने परंतु नेता बने। और नेता का मतलब होता है कि लंबे सफर, राजनीति के लंबे सफर में जब आप काम करते हैं तो आप नेता बनते हैं। और जयराम जी आप भी नेता बनेंगे यदि आप अपने भविष्य में आप जो है काम करते जाएंगे, एक पहचान बनाते रहेंगे, उसके लिए आप भी नेता बनेंगे। उसके लिए आपको केवल आहत होने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप विधायक दल के नेता नहीं है या मैं आपको नेता नहीं मानता हूं। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि पंडित सुखराम जी आए, टिकट मांगने आए मेरे पास और मेरी जमीन खिसक गई। क्या टिकट मांगना, क्या हम गुनाह कर लिया हमने? यदि पंडित सुखराम जी ने सोचा कि अपने पोते के लिए टिकट मांगने की बात है, वो हम कहते हैं परिवार को, हम परिवार को ही नहीं करना चाहते, परिवार के लिए नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री जी कल मेरे चुनाव क्षेत्र में गए थे और आदरणीय शांता कुमार जी और दूसरे नेताओं का भारी दबाव मेरे पर रहा कि आप अपना पक्ष जो है क्लियर कीजिए। पक्ष मैंने पहले रख दिया था कि मैं ना ही पार्टी की मदद कर पाऊंगा, ना ही मैं अपने बेटे की मदद कर पाऊंगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा मेरे चुनाव क्षेत्र में जाके कि मंत्री गायब है। मैं तो शिमला में था और शिमला में रहना, क्योंकि या तो मंत्री जो है आजकल प्रचार में लगे हैं और जब मैं प्रचार नहीं कर सकता हूं तो उस वजह से जो है मैंने उचित समझा कि मैं शिमला में था। और एक विश्वास खोना, यदि मुख्यमंत्री को अपने मंत्री भी विश्वास ना हो, तो मैंने उचित समझा कि जो है मैं इसमें त्यागपत्र दे दूं। और जो उनके ऊपर कोई ऐसी बात ना आए, कहते वो, मैं तो कहा था पहले कि जब आप त्यागपत्र मांगेंगे मैंने एक मिनट के अंदर त्यागपत्र दे दूंगा, परंतु त्यागपत्र नहीं मांगा गया। उनकी कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं,
पर मैंने इस स्थिति में कि उनके ऊपर कोई बात ना आए मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। जो सेवाएं मैं लगभग 1.25 साल से प्रदेश के अंदर देने में कायम रहा, जो मैंने विभाग दिया गया उसमें मैंने काम करने का प्रयास किया था कि बुजुर्गों की मान सम्मान करना चाहिए, ये मैंने जरूर कहा था कि मुख्यमंत्री को बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या बोला और मैं कहना चाहता हूँ, यदि उनका ससुर, आज बहुत बड़ा प्रचार किया जा रहा है उनका लड़का चला गया 2.5 साल, अभी 6 महीने पहले कैंसर से 3 साल लड़ाई लड़के जो लड़का चला गया, एक बेटी है उसके लिए, यदि वो अपने जवाई के लिए वहां बैठे हैं, रात को भी यहां पर आए, लगातार दौड़ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दिल्ली से आकर उग रणनीति अलग दिल्ली की राजनीति होती है, परंतु यदि अपने सन इन लॉ के ज्वाइन के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ परिवार ही खड़ा होता है, राजनीति के परिवार खड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस ऐसी परिस्थितियों के बावजूद आज जो है वो बेटे के साथ खड़े हैं, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऐसी बातें करके लोगों के अंदर प्रचार करना ये गलत बात है। मुख्यमंत्री जी आप जो हैं प्रदेश के विकास की बात कीजिए, पंडित सुखराम जी को भूल जाइए, अनिल शर्मा को भूल जाइए, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए पंडित सुखराम जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पार्टी से बंधा हूं इसलिए पार्टी के बीच में हूं, परंतु मुख्यमंत्री क्या होना चाहिए? यदि जिला का मुख्यमंत्री है तो डर होता है एक मुख्यमंत्री का, यदि वो डर होता तो मंडी की सड़कों की हालत ऐसी नहीं होती, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत ऐसी नहीं होती। मैंने इस बात को जो कैबिनेट के अंदर कहा तो स्वास्थ्य मंत्री जो इसमें नाराज हो गए, क्या आपने ये बात क्यों रखी, जनता के बीच माफी क्यों मांगी, तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य मुख्यमंत्री हो और जो हॉस्पिटल जो है ऐसा नजर आए वो सिविल हॉस्पिटल के तहत वहां पर जो है हालत उसकी हालत हो जाए, मेडिकल कॉलेज के जो है आपने खोल दिया, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं, यदि वो कहते हैं कि बहुत सी चीजें आपके मन में दफन है, हमारे मन में बहुत कुछ दफन है, जब समय आएगा तो उसकी बात करेंगे, परंतु आप राजनीतिक लोगों के अंदर अपने काम के ऊपर लोगों के पे जाए, छोड़ दीजिए पंडित सुखराम को, छोड़ दीजिए अनिल शर्मा को, आश्रय शर्मा जो है एक नौजवान जो है यदि उतरा है मैदान में